गुरुजी राधे राधे, चरण स्पर्श दासी का आपका। खुश रहिए। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ गुरुजी के मैं आप से आपका आमना सामना हो पा रहा है। हाँ। मैं सोची नहीं थी, लेकिन इतना श्रद्धा भक्ति है आपके प्रति कि मेरे को आज बात करने का मौका मिला। खुश रहिए। मैं अंबिकापुर से आई हूँ गुरुजी। बोलिए। आप अंबिकापुर में आए थे तब भी आपका दर्शन किए थे। जी जी महाराज, मेरा आपसे दो प्रश्न है। बोलिए। शांत रहिए, सब लोग चुप रहिए। एक एक तो पहला कि महाराज जी, मैं क्या है कि अपने सास ससुर का पोथी भागवत करवाई थी, पितर पक्ष के 12 तारीख का था, डेट था उसमें। तो बोला गया था कि सपने में जैसे सासू माँ आती थी, ससुर आते जाते, तो पोथी भागवत बैठाने के बाद नहीं आते हैं ऐसे करके। और बोले थे कि प्रसाद भी वहाँ से आएगा, ठीक पता है, तो लिखाया गया था। तो महाराज जी, प्रसाद तो खैर नहीं आया घर में। जी। और सपने में भी बहुत देखती हूँ मैं सासू जी को, ससुर जी को भी। जी जी जी। तो इसका क्या कारण है बताइए। तो सपने में वो आते हैं। जी। अच्छा। आते हैं और कभी कभी तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, कभी कभी ऐसा प्यार से ही, ऐसा कुछ उस टाइप का तो नहीं है, लेकिन सपने। आप अभी कार्यालय में संपर्क कर लीजिए, प्रसाद क्यों नहीं आया, यदि पता एड्रेस मिस हो गया होगा तो अभी आप बात कर लीजिएगा। जी ठीक है महाराज। और मैं एक और पूछना चाहती हूँ। जी। आज के इस दौर में देखते हुए महाराज, मैं बहुत ये सब सोच के बहुत दुख मैं अपने दिल से करके आई हूँ। बताओ। और बहुत श्रद्धा भक्ति है महाराज, मैं सोच ही नहीं थी कि मेरे को आपसे मिलना हो पाएगा। बताओ। और आपको देख के साक्षात मेरे को भगवान नजर आ रहे हैं, भगवान का मैं दर्शन कर रही हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया महाराज, आज मैं भगवान का दर्शन कर ली। खुश रहिए। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है महाराज कि आजकल जो लड़कियां होती हैं उनको क्यों कुछ संस्कार नहीं दिया जाता है, ससुराल में इतने शौक से सास ससुर उन्हें बहू बना के लाते हैं, और लड़कियां जैसे घर में कदम रखती हैं पूरे घर को विनाश कर डालती हैं महाराज, अब इसका पूरा भार सास के ऊपर आ जाता है, ये क्या है, मेरे को बस इसी का समाधान चाहिए महाराज। समाधान यही है कि प्रत्येक घर में प्रत्येक माँ प्रत्येक बच्चे को, बेटा और बेटी को खूब बढ़िया संस्कार दे, तब ये व्यवस्थाएं बनेंगी। परिवार चलाने के संस्कार दें तब व्यवस्थाएं बनेंगी, सब लोग दें तब काम बनेगा। इसलिए पहले से हमारी परंपराओं में कहा गया, संस्कार दो बच्चों को, बेटियों को बताओ के सास ससुर कौन है, पति कौन है, बेटों को बताओ कि नारी का सम्मान क्यों करना चाहिए। अब कोई नहीं बताता, सब पोयम याद करा रहे हैं, सब केवल केवल आज के परिवेश में, आज के युग में केवल शराब पी करके लड़कियां तक शराब पीने लग गई हैं, और थिएटरों में नाच रहे हैं लोग शराब पी पी के, है ना, क्लबों में नाच रहे हैं। तो अब ये संस्कार क्लबों वाले हैं, तो क्लबों वाली जो क्लबों में लड़कियां नाच रही हैं शराब पीकर, वो कितना अच्छा घर परिवार चलाएंगी, अब देख लो आप। और ये गलती बच्चों की नहीं, माँ बाप की है जो ये परमिशन दे रहे हैं। और कुछ लोगों से कहो कि क्यों जी आप क्लबों में क्यों जाते हैं, बोले आप हमारी स्वतंत्रता पर उंगली उठा रहे हैं। तो आजकल स्वतंत्रता के नाम पर यही हो रहा है, तो ये प्रत्येक घर की प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। ठीक है महाराज, होगा, कथाएं हम सुनाते हैं लोगों को, सब यही बताते हैं। महाराज जी, मैं इसलिए परेशान हूँ कि ये घटना मेरे घर में खुद घट गई, और मैंने अपनी दोनों बेटियों को इतने अच्छे संस्कार दिए कि वो ससुराल जाके कभी कोई शिकायत नहीं दी, लेकिन मैं जब बहू लेके आई तो मेरे घर में 4 महीने भी नहीं हुआ, बहू मेरे को पूरा प्रताड़ित और परेशान कर दी, इसका मैं कैसे समाधान करूं? कहाँ है बहू आपकी? बहू नहीं आई है महाराज, वो ले आना, हम समझाएंगे। नहीं महाराज, वो चली गई घर से। चलो चली ही गई तो जाने दो, और हम लोग पूरा आरोप लगा के चली गई, वो तो होता ही है, यही तो होता है सब। महाराज इसका समाधान कैसे होगा? समाधान समय के साथ होगा, समय सबका समाधान करता है। और किसका प्रश्न है? बहुत लोगों का, बैठे रहिए। महाराज जी राधे राधे। जी। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम दास का। खुश रहिए। महाराज जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। किस बात का? क्योंकि आपकी कथा सुन के मेरी जिंदगी बहुत चेंज हो गया। मैं 20 साल तक प्राइवेट नौकरी करता रहा, लेकिन आपके कथा आप बोलते रहे कि खुद का बिजनेस कर लो, छोटा ही सही लेकिन खुद का करो, लेकिन मैं अपने हिम्मत नहीं कर पाता था।
लेकिन आपके कथा सुनकर मैंने हिम्मत किया, 2021 में खुद का बिजनेस चालू किया और 3 साल से आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा चल रहा है। वाह, देखिए नौकरी लेने वाले थे ये, बाद में देने वाले बन गए। और हम पति पत्नी दोनों आपकी कथा सुन के व्रत चालू किया हमने एकादशी का। वाह, प्रथम पत्नी साथ में आई हुई है और आपका चरण स्पर्श करना चाहते हैं। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। ठीक,